radius of gyration of a thin circular ring of mass m, radius r, about a tangent in plane of ring is. सॉल्यूशन लिखते हैं. तो सबसे पहले एक रिंग बना लेते हैं, ये रिंग. रिंग का रेडियस है r, मास है m. ओके, रेडियस r, मास है m. ओके, सो वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट टेंजेंट टू द प्लेन. तो इसके प्लेन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं. ऐसे टेंजेंट है ये लाइन, है ना, और इसके प्लेन में प्रेजेंट है, इसके अबाउट घूमेगा. तो सबसे पहले इसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो सेंटर के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका? अबाउट ओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, अब इस लाइन के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसको ए मान लेता हूँ. तो ये वाली जो इसकी डायमीटर से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाएगा. कोई भी लाइन ना जो इसके डायमीटर से पास हो रही है, ऐसे जो इसकी डायमीटर है उसके अबाउट अगर ये रोटेट करता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है? सेंटर के अबाउट जो होता है उसके हाफ हो जाता है. तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू. ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है, एम आर स्क्वायर बाय टू. तो ये बी वाली एक्सिस के अबाउट भी एम आर स्क्वायर बाय टू होगा, ए वाली के अबाउट भी टू होगा एम आर स्क्वायर बाय टू. तो यहाँ लिख लेता हूँ आई बी. तो आई बी के अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर बाय टू. अब ये आई सी ले लेता हूँ, इसको सी वाली एक्सिस, है ना. तो इस ये दोनों बी और सी वाली एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी प्लस मास इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डी का स्क्वायर. डी यहाँ पे आर के बराबर है. तो आई सी कितना आ जाएगा? आई बी जो कि एम आर स्क्वायर बाई टू है, एम टी स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर है. ये सॉल्व करने से आई सी कितना आ जाएगा? थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर. अब इसी को, इसी एक्सिस के बॉटम को रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, तो इसको किसके बराबर करता हूँ? एम के स्क्वायर के, है ना. थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, एम एम गया तो के क्या आ जाएगा? रूट थ्री बाई टू आर. और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. थैंक यू.